Assalamualaikum dear kids, today our book is Social Studies. आज जो हमारी बुक है वो सोशल स्टडीज़ है और ये बहुत ही खूबसूरत सी बुक है और ये बुक बी यानी प्रेप क्लास की बुक है. सो लेट्स ओपन, हम इसे खोलते हैं. एंड टुडे ऑन पेज, और आज हम पेज नंबर 12 यानी सफ़ा नंबर 12 एंड यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 हमारा जो चैप्टर है वो नंबर 1 है. एंड द टॉपिक इज इम्पोर्टेंट प्लेस. इम्पोर्टेंट प्लेस खास जगह है, बहुत ही खास. अ मॉस्क्यू एक मस्जिद. मॉस्क्यू किसे कहते हैं? मस्जिद को. नीचे देखिए कितनी खूबसूरत सी मस्जिद है. इस मस्जिद में क्या कर रहे हैं लोग? जो हैं वो नमाज़ें पढ़ रहे हैं. यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला की हजूर वो सजदे में हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं. यहाँ पर एक आदमी तस्बीह लिए दुआ पढ़ रहा है. देन यहाँ पर एक अंकल है जो खूबसूरत तरीके से कुरान पाक को पढ़ रहे हैं. फिर यहाँ पर एक बच्चा है जो प्रेयर कर रहा है. सो मस्जिद में कौन लोग जाते हैं? मुसलमान जाते हैं. सब मुसलमान कहाँ जाते हैं? मस्जिद में. मुसलमान मस्जिद में क्या करने जाते हैं? नमाज पढ़ने जाते हैं अल्लाह ताला की वर्शिप करने के लिए. मस्जिद में क्या करने जाते हैं? नमाज पढ़ने. मस्जिद क्या कहलाता है? अल्लाह का घर. मस्जिद क्या होती है? अल्लाह का घर. और अल्लाह के घर में हम जाकर नमाज अदा करते हैं, जैसे ये लोग यहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं. कितने खूबसूरत तरीके से ये नमाज पढ़ रहे हैं. यहाँ पर कुरान भी पढ़ा जा रहा है, तस्बीह भी पढ़ रहे हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं. सो हम कहाँ पढ़ने जाते हैं नमाज? मस्जिद में. आप मॉस्क्यू में, एक मस्जिद में. मॉस्क्यू, और मॉस्क्यू में कौन जाते हैं नमाज पढ़ने? मुसलमान. कौन जाते हैं? मुसलमान. सो हम मुसलमान हैं. सो मस्जिद में मुस्लिम्स नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं. सो हम क्या करते हैं? यहाँ पर हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सी एक एक्टिविटी है जी. तो एक्टिविटी जो है वो है Choose the correct answer. यहाँ पे हमने क्या करना है? Correct answer को choose करना है. नीचे हमारे पास दो दो answer है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही ठीक answer है. Now the Muslims go to dash for worship. मुस्लिम जो है वो अल्लाह ताला की इबादत करने कहाँ जाते हैं? The first is mosque and the second is church. चर्च में कौन जाते हैं? Christians जाते हैं. नमाज पढ़ने के लिए वो चर्च में जाते हैं, लेकिन मुसलमान कहाँ आते हैं? मस्जिद में. और मस्जिद को किसका घर कहते हैं? अल्लाह ताला का. सो मुस्लिम्स गो टू मॉस्क्यू फॉर वॉरशिप. सो हमने क्या करना है? यहाँ पर टिक करने के बाद लिखना भी है. मॉस्क्यू एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज क्रिश्चियंस गो टू डैश फॉर वॉरशिप. तो क्रिश्चियंस जो होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं अपनी नमाज पढ़ने के लिए या अपनी दुआ अदा करने के लिए? मॉस्क, मस्जिद में जाते हैं, या फिर चर्च, या चर्च में जाते हैं. सो क्रिश्चियंस गोस टू चर्च फॉर वॉरशिप. वो भी इबादत करने के लिए चर्च में जाते हैं. सो क्रिश्चियंस गो टू चर्च. Well done. Now, page number 12. Also important place, mosque is done. Now move on next page. And the next page is page number 13. Agla jo safa hai, wo safa number 13. And also unit number 5, chapter number 2. Unit number 5 aur chapter number 2 hai. And chapter number 2 par, aaj jo humara topic hai, wo hospital hai. ये भी इम्पॉर्टेंट प्लेस है. ये भी क्या है? इम्पॉर्टेंट प्लेस है. सो पीपल गो टू हॉस्पिटल व्हेन दे गेट सिक. लोग क्या करते हैं? तभी जाते हैं अस्पताल में जब वो बीमार होते हैं. यानी जब बीमार होते हैं तो लोग जाते हैं ना हॉस्पिटल में जी. लोग अस्पताल में जाते हैं जब वो बीमार होते हैं.
वी सी दिस पीपल इन अ हॉस्पिटल, हम इन्हीं लोगों को अस्पताल में देखते हैं। और ये लोग कौन कौन से होते हैं? एक डॉक्टर होता है, एक नर्स होती है और एक वार्ड बॉय होता है। एक वार्ड बॉय होता है जिसकी हेल्प ली जाती है मरीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। जी तो डॉक्टर क्या करता है? हमारा चेकअप करता है, हमें मेडिसिंस लिख के देता है, फिर हमें क्या करता है, सिरप लिख के देता है, फिर वो क्या करता है, नर्स को बताता है कि अगर बच्चे को इंजेक्शन लगना है सो उसे इंजेक्शन लगा दें या फिर मेडिसिन दे दें। सो नर्स का जो काम होता है वो अच्छे तरीके से बच्चे को मेडिसिन देना और फिर समझाना। देन वार्ड बॉय क्या करता है? वार्ड बॉय मरीज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। सो नेक्स्ट वी सी दीज थिंग इन हॉस्पिटल, हम इन चीज़ों को क्या करते हैं? अस्पताल में देखते हैं, इन्हीं चीज़ों को देखते हैं ना हम। जी जिसमें एम्बुलेंस होती है, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो फिर एम्बुलेंस को कॉल की जाती है, एम्बुलेंस आती है। देन यहाँ पे व्हीलचेयर होती है, व्हीलचेयर की मदद से अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो या बहुत वजनी हो सो उठे उसे उठाने में दिक्कत हो तो व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास कुछ मेडिसन्स हैं, मेडिसन्स में हमारे पास सिरप है, सिरिंज है और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास टेबलेट्स हैं। कितनी ज़्यादा देखे यहाँ पर हमारे पास चीज़ें हैं। देन हमारा थर्मामीटर से चेक किया जाता है हमें बुखार है या नहीं, फिर हमारे सांस को चेक किया जाता है, फिर क्या करते हैं हमारे लिए कुछ वो फैसला करते हैं यानी इन्हें इंजेक्शन लगाना है या फिर टेबलेट। अगर तो हम गंदी मंदी चीज़ें खाएंगे तो इंजेक्शन भी लगेगा, लेकिन अगर हम अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे तो इंजेक्शन नहीं लगेगा, देन सिर्फ सिरप ही मिलेगा। सो हम ऐसी चीज़ों को क्या करते हैं? हॉस्पिटल के नज़दीक देखते हैं। चले तो अब हम एक एक्टिविटी करते हैं और ये एक्टिविटी बहुत ही खूबसूरत सी है। यहाँ पर जो एक्टिविटी है वो है Choose the correct word and write in the blanks. हमने क्या करना है, correct word को लेना है और इस यहाँ पर जो blanks हैं हमने इनके ऊपर इन्हें लिखना है। आपको क्या blanks नज़र आई? लुक, ये एक blank है, एक ये, then एक ये। So first में जो लड़का है इसे word boy कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? word boy कहते हैं। So word boy को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वार्ड बॉय। यहाँ पर तो डॉक्टर है, ये तो डॉक्टर अंकल है। सो लुक, दिस इज डॉक्टर। सो द नेक्स्ट इज नर्स, ये नर्स है। Well done. Now the work is done. So I hope you enjoyed chapter number 2 hospital and activity number 1. Now move on next activity and also next page. And the next page is page number 14. और जो अगला page है वो सफ़ा number 14. और activity is take the picture related to a hospital. उन तस्वीर को हमने टिक करना है जो रिलेटेड हो हॉस्पिटल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास बहुत सी तस्वीरें हैं पर जो हॉस्पिटल में हम लोग चीज़ें देखते हैं उन्हीं को टिक करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पर तो हॉस्पिटल है, एमरजेंसी है, एम्बुलेंस भी है, सो ये हॉस्पिटल है। नाउ टिक। एंड द सेकेंड यहाँ पर देखिए एक शॉपकीपर अंदर बैठी हुई है और वो क्या कर रही हैं, इस शॉप के अंदर से क्या कर रही हैं, मेडिसिंस को दे रही हैं। सो ये भी अंदर मेडिसिंस वगैरह हैं, सो इसे भी हमने क्या करना है, टिक करना है। यहाँ पर एक लड़का है जो लाइब्रेरी में क्या कर रहा है, बुक को तलाश कर रहा है। सो लाइब्रेरी हॉस्पिटल में तो नहीं ना होती, इसलिए हम इसे टिक नहीं करेंगे। और नेक्स्ट, अरे ये क्या, यहाँ पर तो प्लेइंग ग्राउंड है और ये फुटबॉल प्लेइंग ग्राउंड है। सो क्या हॉस्पिटल में फुटबॉल प्लेइंग ग्राउंड होता है? बिल्कुल भी नहीं। सो हम इसे टिक भी नहीं करेंगे। यहाँ पर एक डॉक्टर अंकल है,
जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सफ़ेद कोट पहने हुए और पीछे कुछ तस्वीरें लगाए हुए हैं जी। सो ये डॉक्टर हैं, हम इन्हें टिक करेंगे। नाउ किड्स द ऑल एक्टिविटी इज डन, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज एंड द नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 15 एंड ऑल्सो चैप्टर नंबर 3। पार्क, पार्क, दिस इज पार्क, ये पार्क है और पार्क बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ है। हम पार्क में क्या करने जाते हैं? हम पार्क में सैर तफरी करने जाते हैं, खेलने जाते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग पार्क में क्या करने जाते हैं? झूले लेते हैं, भागते दौड़ते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं। सो यहाँ पर एक पार्क है, पार्क में लोग बैठे हुए हैं, कई लोग स्टडी कर रहे हैं, कुछ लोग भाग रहे हैं देन रनिंग, कुछ लोग क्या कर रहे हैं? जॉगिंग कर रहे हैं, ये जॉगिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं यानी अपनी। यहाँ पर एक बच्चा है जो क्या कर रहा है? स्लाइड ले रहा है जी। और यहाँ पर कुछ बच्चियाँ स्विंग्स कर रही हैं यानी झूले ले रही हैं। देन नेक्स्ट आगे हम देखें, यहाँ पर कुछ बच्चे सीसा वाला झूला ले रहे हैं। ये झूला हमारे स्कूल में भी है, इसके दोनों तरफ दो बच्चे बैठते हैं और बराबर वजन या एक दूसरे के बढ़ने के वजन से ये बहुत ही खूबसूरत सा ऊपर और नीचे की जानब उठता और बैठता है। और यहाँ पर जो झूला है ये मैरी गो राउंड है, ये मैरी गो राउंड है, ये ग्राउंड की तरह का एक झूला होता है जिसके ऊपर पाँव रखते हुए और नीचे रखते हुए इसे जोर से पाँव से धकेला जाता है और ये फिर चलता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक वेस्ट बिन भी है, वेस्ट बिन में तमाम तरह का कचरा और तमाम तरह की वेस्ट की हुई चीज़ों को डाला जाता है जी, ये वेस्ट बिन है। सो नेक्स्ट हमारे लिए नीचे बहुत ही खूबसूरत सी उन्होंने छोटा सा पेरा भी दिया हुआ है जिसमें उन्होंने क्या लिखा है, चलें अब पढ़ते हैं। पीपल वॉक इन अ पार्क, लोग पार्क में सैर करने के लिए जाते हैं। दे टेक एक्सरसाइज ऑल्सो, और वो वर्जिश भी वहाँ पे करते हैं। चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ पार्क, बच्चे पार्क में खेलने जाते हैं। वी ऑल इंजॉय इन अ पार्क, हम पार्क में मजे लेने जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।